विगत 8 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण परेशान बेमतरा डाड़ी तहसील के कोटवारों ने जिला कार्यालय पहुंचकर अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बेमेतरा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रणवीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। कोटवारों ने अवगत कराया कि बेमेतरा डाड़ी तहसील के कोटवार जो कि नवागढ़ विधानसभा बेमेतरा विधानसभा से है, कोटवारों को मानदेय राशि विगत 8 माह से लंबित है। राज्य शासन का निर्देश है नियमित प्रतिमाह मानदेय भुगतान करने का, निचलों से नियमित भुगतान किया जा रहा है, परंतु बेमेतरा विधानसभा नवागढ़ विधानसभा के कोटवारों का मानदेय हमेशा लंबित रहता है। प्रतिमाह बेमेतरा तहसील हाजरी 80 किलोमीटर आना जाना करते हैं। कोटवार उसी तरह प्रत्येक सप्ताह थाना हाजरी आना जाना करते हैं। सभी कोटवारों का तहसील हाजरी दिन थाना हाजरी का दिन तारीख अलग अलग रहता है। तहसील से निकलने वाले पेशी नोटिस को तामिल कहते हैं। इसी के साथ ही अगर फरवरी माह में कोटवारों का 8 माह का रुका हुआ मानदेय सैलरी नहीं मिलती तो सभी काम बंद करने कोटवार बाध्य हैं, जिसके जिम्मेदार जिला प्रशासन होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में कोटवार संघ के पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। बेमेतरा डाड़ी तहसील कोटवार संघ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, ग्राम नवागांव कला छिररा कोटवार, ग्राम हरदी कोटवार भरत प्रकाश मानिकपुरी, रूप सिंह चौहान कोषाध्यक्ष, ग्राम बहरबाड कोटवार राधेश्याम सिंह चौहान आसमानी पुरी, ग्राम आदि जोंग कोटवार विष्णुदास मानिकपुरी, ग्राम नवरपुर कोटवार सहित आदि कोटवार सदस्य रहे।